मारोगे, भरम ना हक दिखाओगे तो लोगों को गवाओगे, अकेले होते जाओगे। जरा सी देर को सोचो, जबां को रोक कर देखो, जरा सी देर को सोचो, जबां को रोक कर देखो, तसल्ली से सुनो सबकी, तसल्ली से कहो अपनी। जो यूं ही तैश खाओगे, जो यूं ही तैश खाओगे, अकेले होते जाओगे। खुदमंदों का कहना है ये दुनिया एक खिलौना है, खुदमंदों का कहना है ये दुनिया एक खिलौना है। सबात बेसबाती है, तमन्नाओं की घाटी है। जो ख्वाहिश को बढ़ाओगे, जो ख्वाहिश को बढ़ाओगे, अकेले होते जाओगे। ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, असासा ही बनाते हैं। मोहब्बत आजमाते हैं, मोहब्बत बांट जाते हैं। जो इनसे दूर जाओगे, अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माया शाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुकैना शाह। आप सबको रहमत रमज़ान में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? और आज रमज़ान का दूसरा जुम्मा है और आज आप सबको जुम्मा मुबारक। सबसे पहले तो और सबकी तरफ से, सबकी तरफ से, मैंने तो अपनी तरफ से बोला, अभी उन्होंने भी कह दिया। और बस अब आज का हमारा टॉपिक आपको अपनी के शेर से समझ आ गया होगा कि उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा देश में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा भरम दिखाते हैं अपना। तो बस उन्हीं लोगों के लिए कि अकेले रह जाएंगे, जबान को अपनी ठीक करें, उससे में काबू करें, उससे में आज का ये मैसेज है समझे। हाँ। से आज का कोई प्रोग्राम इन बातों पर ही है कि हम ज़ाहिर रमज़ान है, हम इबादत के साथ साथ इन बातों को, अपनी वो वाली आदतों को भी छोड़ें जो हम दूसरों से दूर करती जा रही हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि ज़रा सी भी कोई बात कही, कोई मजाक भी किया तो वो बुरा लगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर लोग उनसे दूर होते जाते हैं, तो अकेले ही होते जाते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा करने शुरू कर देते हैं, या अगर किसी ने कोई मजाक में भी कोई बात कही है तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होती। सारी बात यही है कि बर्दाश्त हो, अपने सारे जितने रिश्ते होते हैं उनको मोहब्बत से, अपनाइत से, खुलूस से, एतबार से उनसे बांध के रखा जाता है। हाँ, उससे भी काबू करना चाहिए अपने, और जो बहुत ही ज्यादा मतलब ओवर हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए हमारी ज़बान कि भाई अगर किसी ने कोई बात कह दी तो आप उसको इतना हार्श रिएक्शन होता है उनका कि वो लोग खुद जो मजाक करने वाले थे या कोई बात कहने वाले या कोई समझदारी की बात या उनको कोई बता रहे होते हैं कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह, और इन तो कहीं से भी मिल रहा, चाहे बच्चे हाँ। से भी मिल रहा हो तो वो भी आपको तो लेना चाहिए चाहिए। तो इस तरह वो लोग अकेले होते जाते हैं जो लोग इस तरह के किसी की बात अगर आपको कोई बुरी लगी, लो भाई अकेले बस उनसे मिलना जुलना नाता खत्म कर दिए, रिश्ते खत्म कर दिए। या अगर कोई गलत फहमी है, किसी ने उनके बारे में कुछ कह दिया किसी के बारे में, तो आपने उनको छोड़ ही दिया बिल्कुल। इस तरह नहीं, हमेशा क्लियरिटी दें, पूछें उनसे कि क्या बात हुई, तो अकेले होने का तो फिर सवाल ही पता नहीं होता। वो कहते हैं ना कि बाज़ लोग खामोशियां पढ़ लेते हैं, बाज़ लोग अल्फाज भी नहीं समझ आते, बाज़ लोगों को अल्फाज भी समझ नहीं आते, मतलब सब कुछ कह भी देते हैं फिर भी वो लोग समझ नहीं पाते कि बात हो क्या रही है। और कुछ लोग अनजान भी बनते हैं। हाँ, कुछ लोग ये होता है कि वो सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं, तो ये भी एक होता है कि फिर तो आज का बस हमने इसीलिए टॉपिक रखा हुआ, इसी पे इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते और बहुत ही मतलब कुछ और होता है, डबल मीनिंग बातें कर रहे होते हैं या कुछ भी और दूसरा नहीं उसके बारे में गलत गलत देते हैं, और दूसरों को भी उसको उसके बारे में गलत, दूसरे लोगों को भी जो लोग बात कर रहे होते हैं उनके बारे में ही गलत वो दे देते हैं एक तरह से तासुर के भाई ये आपके बारे में ये गलत कहा है। कभी भी हमेशा आसानियां पैदा करें लोगों के, ये नहीं कि आप उनके रिश्ते ख़त्म करवा दें या उनकी ऐसी बातें कर दें कि वो दूसरे लोगों के दिल में एक वो हो जाता है ना, एक दूसरे के खिलाफ एक दिल में जैसे रंजिश पैदा हो जाती है। तो ये सब इंसान फिर अकेले, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव ही सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। तो अगर आप किसी के बारे में भी अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही होगा, आप हमेशा ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो कुछ
तो फिर तो नेगेटिव ओवर होता भी जाता है हमेशा। अपनी जो वो कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो वो थिंक पॉजिटिव ही रखें आप अपनी, ये नहीं कि आप किसी के बारे में, और जरूरी नहीं कि सामने वाला अगर आप कुछ कह रहा है तो वो आपके खिलाफ ही हो या आपके कोई उसके दिल में आपके खिलाफ कोई बात ही हो। कि अगर वो समझाने के लिए भी कह रहा है तो उसको समझे तो ना, कि आप उसके खिलाफ एक महाज नहीं। कुछ लोग होते हैं लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, रिश्ते नाते खत्म किए, मिलना जुलना छोड़ा, ये और जो ये खून के रिश्ते जो होते हैं वो तो खैर कभी खत्म हो नहीं सकते, लेकिन लोग उनको भी कहते हैं कि हाँ हमने तुमसे रिश्ता खत्म, जरा सी बात हुई हाँ और फिर भाई हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, चलो भाई अब हम नहीं मिलेंगे या अब हम नहीं जाएंगे। तो लोगों को जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रिश्तों को कभी भी इस तरह नहीं, आपके जो लोग अपने कथा ताल्लुक कर लेते हैं रिश्तों को, तो वो भी समझो वो भी हमारी नज़र में, हमारे इस्लाम की नज़र में वो लोग भी नहीं अच्छे, क्योंकि जो लोग कथा ताल्लुक करते हैं वो है ही नहीं है हमारे नज़र में मुसलमान। तो ये है कि आप एक चांस तो अपने रिश्ते को देना ही चाहिए। हाँ, कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को और जो बहन भाई होता है बहन भाइयों से भी कर लेते हैं, चलो भाई खत्म। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको तलाक के लफ्ज को तो कितना मतलब सबसे नापसंदीदा, अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ह इरशाद फरमाया तलाक को तो खैर नापसंदीदा फर्ज करार दिया है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको इतना वो बना दिया कि अगर शादी को भी खेल बना लिया और तलाक को भी कोई शादी नहीं है। वो कहते हैं वो बात है ना कि जैसे रिश्ते आसमानों में बनते लेकिन निभाए जमीन पर जाते। अब वो जब आप कह देते हैं आसमानों पर तो बनते हैं रिश्ते, ये सब पता है, लेकिन निभाना भी तो आपका काम है ना, निभाते नहीं है और लेकिन कह देते हैं कि आसमानों पर बनते हैं। तो लेकिन फिर भी आप लोग चाहें अपने रिश्ते को स्पेस भी दें, हमेशा मौका जरूर दें, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है तो स्पेस दें। शायद आपका ये है कि आपके दिल में उसके लिए वो वाली, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिश्तों में दूरियाँ हो रही हो तो कुछ टाइम के लिए दूर चले जाना चाहिए, फिर वो रिश्ता सही हो भी जाए, चाहे वो कोई सा रिश्ता। लेकिन जो लोग जो बीच में हों, जो रिश्तेदार हों, जो घर वाले हों, जो आपके अपने हों, उन लोगों को भी चाहिए कि कहीं कहीं कोई रिश्ते अगर हो रहे हैं, कोई ख़त्म होने वाले हैं या कुछ उनमें कोई दूरियाँ आ गई है, रंजिश आ गई है, फासले आ गए, तो हम लोगों को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए उनके रिश्ते को, उनकी दूरियों को मिटाना चाहिए। ये ना कि कुछ लोग होते हैं ना रिश्तेदार भी कुछ ऐसे कहते हैं कि और ज़्यादा करते हैं तो वो इस तरह और ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी आप करें। और आज हम ये थोड़ा सा निकाह के बारे में भी बात कर लेते हैं कि निकाह के लफ्ज़ को अल्लाह ताला ने है तो ये चार लफ्ज़ों का, लेकिन इसमें सारी वो समझो अल्लाह ताला ने इसमें समा दी है कि निकाह इतना मतलब सिर्फ तीन अल्फाज कह के आपका ख़त्म कर दिया, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, आपका सरनेम चेंज हो जाता है, सब कुछ, और तीन अल्फाज कह के आपका ख़त्म, सब कुछ ख़त्म मतलब एक सेकेंड में। तो अल्लाह ताला ने निकाह के अल्फाज को तो बहुत पसंदीदा करार दिया है। निकाह सिर्फ चार हरूफ का मजमूआ नहीं, निकाह सिर्फ जिम्मेदारी है, निकाह एक अहद है अपने आप से, अपने हम सफ़र से, अपने घर वालों से और अपने रब से। लिहाजा इस रिश्ते की प्लीज़ प्लीज़ कदर कीजिए और इसको आप बनाए रखें, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग हर रिश्ते में हो जाती है। निकाह सिर्फ दो लोगों का नहीं है, पूरी मतलब एक शादी जो होती है दो फैमिलीज का, हर चीज़ का, इमोशंस का, हर चीज़ का होता है। तो शादी को लोग समझते हैं बस एक मजाक समझते हैं कि भाई एक खत्म किया चलो दूसरी शादी कर ली तीसरी कर ली। नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी, लड़के देखे, बहुत सारे लड़के ऐसे देखे जो एक शादी करते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर दूसरी करते हैं, लेकिन उनको अल्लाह ताला का डर नहीं होता। और नहीं उन्हें ये पता है कि चार शादियां अगर अल्लाह ने यानी हमारे मजहब में है तो उनको बस इतना पता है कि चार शादियां करनी है, ये कहाँ का वो ऐसे तो नहीं। उन्होंने अगर सल्लल्लाहु ने भी की थी तो वो भी हाँ उसके पीछे भी नहीं। और वो कह देते हैं आजकल तो ना कि लड़की या तो लड़का साइको हो जाता है या लड़की साइको थी, या वो बहुत ज्यादा मॉड थी, फैशनेबल थी, या फिर वो बस कुछ इस तरह की उसकी फ्रेंडशिप थी। फ्रेंडशिप आजकल के लड़के जो होते हैं बहुत सारे मैंने ऐसे देखे जो शादी करके और उनसे खर्चे नहीं उठाए जा रहे हैं, तो वो फिर कहते हैं कि जॉब करने वाली हो। अब ये देखा है बच्चों का भी फिक्र नहीं होती, पर ये नहीं अब आजकल अगर आप देखें तो हर दूसरा
यही इस तरह की लड़की ढूंढ रहे होते हैं कि वो जो जॉब करने वाली हो, और जॉब भी वो जो जैसे टीचर हो, ताकि आधा दिन वो घर आ जाए और फिर वो घर के भी काम करे, और फिर वो जैसे एक लड़की को इस तरह जैसे कोई मशीन है ना, तो उससे आप घर की भी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, आप बाहर की भी जिम्मेदारियां ले रहे हैं। ड्रामों में सच्चाई रियलिटी जो चल रही होती है, अभी जो ड्रामा कुछ टाइम पहले आ ही रहा था हीरा मानी का मुंतहा जो थी, उसमें भी यही दिखाया कि बाहर की भी काम करी घर की, फिर भी उसका कोई वो नहीं हो रहा ना, उससे शोहर खुश है ना। तो यही बस बात है कि आप आजकल की लड़की, यानी कुछ बहुत सारे, ये नहीं कह रहे कि सभी ऐसे, काफी सारे ऐसे की पहली शादी की फिर दूसरी की भी थी, और समझते पता नहीं चलेगा किसी को। कुछ लोग तो इतने फ्रॉड होते हैं कि वो कर भी लेते हैं पहली, फिर दूसरी भी कर लेते हैं, फिर तीसरी के भी चक्कर में होते हैं। और लेकिन ये नहीं कि अपने अगर है, और एक तो बुराई वाइफ की बुराई करने लगते हैं, या कोई वाइफ जो होती है वो हस्बैंड की बुराई करने लगती कि उसने ये, उसके अंदर ये थी कि कमाने वाला नहीं है, कि उसकी जॉब नहीं थी, या घर वालों से उसके ताल्लुक नहीं थे। और लड़कियां कहती हैं और लड़के कहते हैं कि वो घर का काम नहीं करती थी, वो तो बस ये थी कि बहुत ज्यादा फैशनेबल थी, मॉडर्न थी, या फिर साइको। आजकल तो हर दूसरा लड़का या लड़की साइको ही बना के, लेकिन लड़कियां देते हैं रिश्ता, बहुत मुश्किल से निभा रही होती है बहुत ज्यादा। उन्हें कह कर ही ये शादी जब होती तो यही कहा जाता है कि यार आप कैसे होते हैं, जो मतलब बच्चे भी हो जाते हैं, एक हो गया दो गए, फिर भी उन्हें कुछ परवाह नहीं होती खर्चा उठाने की। हाँ, तो फिर वो ही खुद ही समझो औरत के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती है कि घर की भी, घर को भी देखे, ससुराल वालों को भी देखे, शोहर को भी देखे, बच्चों को भी देखे, और फिर बाहर की जिम्मेदारी भी निभाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब छोड़ देते हैं, अब माँ बाप अपनी बच्ची बेटी को सब कुछ दे सकते लेकिन नसीब नहीं दे सकते, तो बस वो जो लड़का होता है जिससे भी शादी होती है, कब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि वो छोड़ देते हैं अपने मतलब बेटा भी हो जाए या बच्चे हो जाए। हाँ, जैसे भी कुछ दिनों हमने देखी है स्टोरी भी ऐसी, सिर्फ 4 माह शादी रही, सिर्फ 4 माह, 4 माह में आप किसी के बारे में क्या वो कर सकते हो, मतलब अपनी तरफ से जज क्या कर सकते हो कि वो लड़की काम करने वाली नहीं थी, उसको काम नहीं आता था, फिर ये कहना वो उसको ना किसी चीज का कोई सलीका नहीं था, उसे खाना बनाना नहीं आता था, उसे ये नहीं आता, सारी बुराई 4 महीने में आप किसी के साथ, किसी की सारी आदतें कैसे, कुछ टाइम तो रहा जाता है। अब एक आलमी दिन है हमारे, मतलब सब जानते होंगे, उन्हें मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक आलमी दिन है, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा कि लड़का और लड़की की अगर रिश्ता करना आप जैसे करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कुछ टाइम उसके साथ गुजारें, कुछ मुलाकातें रखें, घराने पूरे जैसे लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों के साथ, लड़के के साथ और लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों के साथ, और लड़की के साथ कुछ टाइम, जैसे कुछ एक एक दिन वो उसके घर चले जाएं, चलो भाई मिलना है, या कोई तकलीफ है किसी में मिलना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तभी आप किसी को जज कर सकते हैं। ऐसे आप फौरन नहीं करें, हाँ थोड़ा सा टाइम गुजारें, क्योंकि अनजान लोगों में फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये नहीं कि बस झटपट आप चट मंगनी पट ब्याह ऐसा नहीं करें। नहीं, और हो भी गई शादी तो फिर आप ये वाली बातें करने लग जाते हैं कि भाई उसमें ये नहीं था, लड़की को कुछ आता नहीं था। जब आप थोड़ा टाइम गुजार लेंगे आप जज कर सकते हैं कि उसे सब कुछ आता है, क्योंकि कोई किसी को इतनी सी देर कोई बैठा है आके, अगर रिश्ता अगर कोई रिश्ते के लिए किसी के घर आया है और बैठा है, तो 5-7 मिनट या 15-20 मिनट या आधा घंटा भी बामुश्किल, उसमें आप किसी को क्या जज कर सकते हैं कि लड़की में लड़की को कुछ आता नहीं है, लड़की ऐसी है, या लड़के में कि लड़के के घर अगर जा रहे हैं लड़की वाले, तो वो ये लड़के को देख के क्या जज कर सकते हैं कि वो उसमें ये खामी है, या वो साइको है, वो ये जो भी है, उसने पहले शादी अगर हुई थी तो वो इस वजह से टूटी है, या जो भी लड़की तो फिर भी रह लेते हैं, लेकिन जिंदगी जो खराब होती है वो लड़की ही होती है, बच्चे भी हो जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल। जैसे वो जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका एक बेटा भी है, अब वो उसके साथ जो हुआ चार माह में क्या कोई बंदा किसी को वो कर सकता है, या कोई उसको कुछ आता नहीं है या कुछ है, तो इस तरह दो से तीन अभी हमारे सामने यही है, 2 से 3 माह या 4 माह शादी रही है, और फिर वो बेटा भी हो गया, फिर भी वो उसका जाहिर है उसने पलट के ना, अभी डिवोर्स भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो पलट कर नहीं पूछ रहे की अपनी लाइफ में पहली शादी भी ऐसी हुई थी, मतलब पहली शादी हुई थी, पहली शादी का भी है बेटा है ना, वो भी है, वो तो हर बड़ा है, लड़के की पहली शादी हुई थी, और लड़की की तो ये फर्स्ट ही थी,
तो यानी वो जो लड़का था उसे अब दूसरी बीवी का भी कोई ख्याल नहीं, पहली का, पहली से तो फिर डाइवोर्स हो गया। तो बात वही है, अकेले होते जाओगे। मेरा मेन मकसद यही था कि जब आपने एक वाइफ को छोड़ के आप अकेले रहते गए दो चार साल बाद, फिर आपने दूसरी शादी की, फिर आपने उससे नहीं निभा पाए, अब तीसरी के चक्कर में हो, तो फिर अकेले होते जाओगे। कभी कभी किसी की भी नहीं हो ना, कभी एक के साथ आप सिंसियर नहीं हो, क्योंकि सिंसियरिटी बहुत अहम है। आप हर रिश्ते के साथ मुखलिस रहेंगे तो आप आगे अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं, वरना फिर वही अकेले होते जाओगे। वही मेरा आज का यही था कि अकेले होते जाओगे तो अकेले ही होते जाओगे ना आप, घर वालों से भी। तो अच्छा, कुछ लड़की ही होती है कि लड़कों को घर वालों से भी दूर कर देती है। हाँ है, वो अकेले ही हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि कभी कभी उन दोनों की भी नहीं बन पाती, तो फिर भी दोनों अकेले होते हो ही जाते ना, वो उनके घर वालों के साथ, जाहिर है वो उसके घर वालों के साथ। के लड़की के घर वाले कहते हैं कि जब मतलब इतने उससे शादी हुई, ये सब हुआ, और फिर आपने, और लव मैरिज और अरेंज मैरिज के अगर हम बात करें तो लव मैरिज में आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, अरेंज मैरिज में फैमिली में तो कौन सी ज्यादा सही होती है? देखा जाए तो दोनों ही सही है, अगर नसीब निभाना चाहें। लोग कहते हैं कि अरेंज सही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं लव सही नहीं है ज्यादातर। तो लेकिन ये है कि जो ये आजकल जिस एक ट्रेंड चला हुआ है कि रिश्ता करने से पहले कहते हैं अंडरस्टैंडिंग करनी है, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। चलो अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे मजहब में भी यही है कि अगर शादी करने से पहले से एक दो मुलाकात अगर बात हो जाए, थोड़ी बहुत बातें हो जाएं, तो ये जान लेते हैं एक दूसरे के मिजाज को, एक दूसरे के रवैयों को। तो लेकिन आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि उससे मतलब उन बातों में, जाहिर है वो तो एक टाइम कम टाइम के लिए आप बात कर रहे हो ना, तो आप उसको कैसे जानोगे इतने कम टाइम के लिए? वो तो आप साथ रहकर, जब तक आप साथ नहीं रहोगे किसी के भी मिजाज का, वो तो आप बनकर भी एक बात है, कुछ आप थोड़ा सा चेंज होके भी बोलोगे, चेंज होके भी आप बातें अपनी, जो वो सही आदत है, सही जो आपके जो भी बिहेवियर, आप किसी को गुस्सा आता है वो उसके सामने तो नहीं, 10 मिनट अगर बात हो रही है तो वो उसके सामने गुस्सा तो नहीं करके दिखा रहा ना, या कोई और उसके उसका एकदम से मूड चेंज हो जाता है, या कुछ रहते हैं कि उदास रह रहे, गमगीन रह रहे, या कैसी भी एक आदतें होती हैं हर किसी की, वो आप 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन, उसमें तो आप किसी को भी नहीं जज कर सकते ना कि भाई उसके अंदर ये आदतें हैं। कहते हैं ना कि ज्यादातर ताल्लुकात और रिश्ते गलत फहमियां पैदा होने की वजह से पैदा होते हैं, तो रिश्तों को आप अपने प्यार मोहब्बत खलूस से जोड़े रखें, बनाए रखें। हाँ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, मोहब्बत दें, बस यही आज। और ये ना सोचें कि शादी करके जा रहे हैं, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो बस शादी का मकसद ये है कि आपने बस घूमना फिरना, तैयार होना, इधर जाना, दावतें, ये सब कुछ नहीं है। शादी का मकसद ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी, शादी है, ये शादी आपकी सिर्फ उस लड़के से नहीं हो रही, उसकी फैमिली से हुई है, हर रिश्ते से जो वो जिससे वो मुंसलिक है, तो आपको हर रिश्ते को निभाना है, बर्दाश्त करना है, उससे बेकाबू। यही लड़के की तरफ से कि अगर लड़के की शादी उस लड़की से नहीं हो रही, सिर्फ उसकी पूरी फैमिली से हो रही है, उसकी पूरी फैमिली को समझोगे और वो आपकी फैमिली को समझेगी, बस दोनों तरफ से गाड़ी। और ये भी ना सोचें कि कुछ लोग होते हैं कि लड़के वाले देख रहे हैं कि भाई लड़की कोई बहुत ज्यादा कोई अमीर हो या उसका ये घर हो, या और लड़के वाले लड़की वाले भी ये सोचेंगे लड़के वाले लड़के के पास ये हो वो, ये सब चीज़ें बेमायने हैं। लड़की का आप देखें, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखें, उसकी आदत, उसका खुलूस ही देखें, उसको क्या आता है, उसके टैलेंट को देखें, ये सब मतलब घर लड़की के, अगर लड़की का आप लोग, कुछ लोग होते हैं कि लड़की का घर ऐसा होना चाहिए, लड़की के घर, तो लड़की के घर में तो आप नहीं वो मतलब, और लड़की को तो जाना है ना, मतलब चेहरे को भी ना, ये ना देखे आप उसके दिल को, देखे सूरत पे नहीं जाए कि वैसे भी देखिए कि वो उसको क्या आता है, क्या नहीं, पता चल जाता है, एक नजर में भी देख लेते हैं। लेकिन आप अगर यही जज करते रहेंगे, यही देखते रहेंगे कि उसके उसके घर वालों के पास ये दौलत है, लड़की के घर वालों के पास ये है, घर है, गाड़ी है, जो भी है, ये सब चीजें बेमायने हैं। इंसान का इंसान होना, उसके अखलाक, उसकी अच्छी तरबियत, वो होनी चाहिए, वो देखें शराफत। और लड़की के नसीब, जब अगर वो आपसे उसकी शादी होगी, यानी जो लड़की वाले अगर कुछ ही सोचे कि ऐसे नहीं वैसे, लड़के वाले पैसे का, तो लड़की की शादी जब उससे होगी, लड़की तो वो पैसा तो लड़की के नसीब पैसा तो लड़की के नसीब से ही आता है ना, अब वो चाहे तो उसकी नसीब से वो अमीर भी हो सकते हैं, उसी के नसीब से। लेकिन ये दोनों तरफ से आप देखें कि उसके पेरेंट्स,
उनके घर वाले किस तरह उसको, उन लोगों को, एक दूसरे की फैमिलीज किस तरह, लड़के वालों को किस तरह वो देख रहे हैं और लड़की वाले किस तरह उनको मिलनसार है, पुरखलूस है। अच्छा, ज्यादा अगर लड़के वालों को या लड़की वालों, अगर ज्यादा लड़की वाले लड़के वालों को वो करते तो कहते कि मतलब ये जान बूझ के ना इस तरह कर रहे हैं, कोई मतलब पटा रहे एक तरह से, लूज लैंग्वेज में मैं कहूँगी कि पटा रहे हैं या जान बूझ के ऐसे कर रहे हैं नाटक एक तरह से, कि ये ऐसे है नहीं, मतलब उनके सामने ऐसे जाहिर कर रहे, तो ऐसा नहीं होता। तो बस इसी के साथ हम आज की इस ट्रांसमिशन का एंड करते हैं। बस आज का यही मैसेज था, अभी बस हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की ट्रांसमिशन अच्छी लगी होगी, और अपने लोगों को, अपने रिश्तों को संभाल के रखें, जोड़ कर रखें, हमेशा जोड़ने वाले बने, ना कि उनके रिश्तों को आप तोड़ दें। आप अल्लाह ताला की तरफ से भी आपको उसका वो है, सही है, तो आप लोग जोड़ने वाले बने, हर रिश्ते को निभाने वाले बने, और ताल्लुक, क्योंकि अगर आज आप किसी का वो कर रहे हैं तो कल को आपके साथ मकाफात है, रिटर्न में आता है, रिटर्न में आता है। आप किसी के अगर रिश्ते को अगर आप खत्म करवा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बने बनाए काम को बिगाड़ रहे हैं, तो वो आपके साथ रिटर्न में आएगा, चाहे अपनी आपके घर में, आपकी औलाद के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ या किसी के साथ भी। तो हमेशा रिश्तों को जोड़ने वाले बने, ताल्लुक को जोड़ने वाले बने, ऐसा साथ वाले बने, और पुरखलूस रहें, हर रिश्ते में सिंसियरिटी अपनी रखें, कि अगर कोई आप पर ट्रस्ट कर रहा है तो उस ट्रस्ट को तोड़े नहीं, कोई अगर आपको मोहब्बत दे रहा है तो उसको रिटर्न में मोहब्बत दें, कोई आपको अगर इज्जत दे रहा है, मान दे रहा है, तो हर रिश्ते में आप उस इज्जत और मान का अच्छे से एक तरह से उनको रिटर्न में दें, ना कि उसका गलत मिस यूज करें या गलत। हर रिश्ते में मोहब्बत, इज्जत और खुलूस, ये सब, क्योंकि हर इज्जत देने वाला जरूरी नहीं कि वो आपको मतलब जानबूझ के ऐसे दिखा रहा है या ओवर एक्टिंग कर रहा है, या ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग मिलनसार होते वो समझ हैं, आ जाते हैं, जो पुरखलूस होते हैं वो एक नज़र में पहचाने जाते हैं, उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। तो आज आप आज का बस मैसेज हमारा यही था, इसी के साथ हम आज की इस ट्रांसमिशन का एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तीनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, बहुत हो गया। आप लोग कहाँ, ये अपना मोबाइल जल्दी से फुल वॉच करके, ये नहीं कि आप देख रहे हैं फॉर्म, नहीं, जल्दी से वॉच करें, आराम से सब्सक्राइब करें, हमें पता चल जाएगा किसने सब्सक्राइब किया, और कमेंट करके, और कमेंट से कनेक्टेड रहे हमसे, और इंशाल्लाह रहे, बताते रहे, और कुछ अगर आपको रेसिपीज वगैरह रमजान के हवाले से चाहिए या ईद के हवाले से चाहिए, वैसे भी चाहिए, बस ईद की तो इंशाल्लाह फिर लास्ट वीक, हाँ नहीं, अगर कुछ पूछेंगे रेसिपीज भी इंशाल्लाह अगर चाहिए होती है, जाहिर है मेहमान आते हैं, सब कुछ आता है, और बाकी रमजान की तो आप लोग देख ही रहे हमारी रेसिपीज, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अच्छा सा टॉपिक लेके, अच्छी सी वीडियो लेके, इन्फॉर्मेटिव सी, आपके लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे जिस मौजू पे बात करने के लिए कहा गया है वो है अकेले होते जाओगे। इस पर मुझे अपने वालदा की एक बात याद आई कि जो हम अक्सर अपने बचपन में उनसे सुना करते थे, और वो कुछ यूँ थी कि ज़बान शेरी मुल्क के लिए, क्योंकि ज़बान ही के ज़रिए से हम लोगों को अपना गर्विदा बना लेते हैं, और अगर इस पर तलखी आ जाए तो पल भर में हम उन्हीं लोगों को खो भी सकते हैं। लिहाजा कोशिश की जाए कि ज़बान में मिठास हो, तलखी ना हो, वरना अकेले होते जाओगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके साथ ज़िंदगी में शामिल कि उनसे बात करके आपको बड़ी खुशी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात करें अगले ही लम्हे वो रिश्तेदारों की शिकायतें, अपने मसले मसाइल, कुछ नहीं तो मौसम की ख़राबी का ही होना शुरू हो जाते हैं वो। लिहाजा होता क्या है कि ऐसे लोगों से आप बात करने से ग्रेस करते हैं और वो अकेले होते जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप रिलैक्स होने की बजाय डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि याद है कि मसले मसाइल किसके साथ नहीं है, उसके बावजूद ज़िंदगी का कारवां चलता चला जा रहा है। ज़िंदगी में मेले और झमेले हमेशा उसी के साथ होते हैं जो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि गुड़ ना दें लेकिन गुड़ जैसी बात तो करें, वरना अकेले होते जाएंगे। शुक्रिया।